पानी में डूबी गाय भैंसें, जिंदगी बचाने की जंग जारी। वीडियो देखकर हर कोई हैरान। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में तो हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। एक वीडियो वलसाड़ का बताया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि एक शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। इसी तरह के कई और वीडियो हैं जिनमें घरों में पानी भरा नजर आ रहा है। लोगों के घर का सामान जलमग्न हो चुका है और घर में इतना पानी भर चुका है कि सामान तैर रहा है, और अगर कोई छोटा बच्चा हो तो इतने पानी में वो डूब भी सकता है। सड़कों की बात करें तो गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। क्या इंसान और क्या जानवर, सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। एक वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर इतना पानी है कि जानवर डूब रहे हैं। वे किसी तरह अपनी गर्दन को ऊपर कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह सामान पानी में बहता दिख रहा है। कुल मिलाकर पूरे हालात अस्त व्यस्त हैं। इस बारिश की वजह से कहीं राहत तो कहीं आफत हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियो भाजपा शासित राज्य गुजरात से सामने आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने ट्वीट करके लिखा, उड़ता गुजरात के बाद तैरता गुजरात, अब आपके घर में ही स्विमिंग पूल तैयार है, बताइए अच्छे दिन आए कि नहीं आए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जुनैद सिद्दीकी ने ट्वीट करके लिखा, गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद कहाँ है वो लोग जो ईद उल अजहा के दिन ट्रेन चला रहे थे, बेजुबान जानवरों पर रहम करो, जाओ बचाओ जाकर बेचारे इन बेजुबान जानवरों को, मेरा बस चलता तो मैं जरूर बचाता, लेकिन मैं गुजरात में नहीं हूँ, बस अफसोस जता सकता हूँ। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।